सर इस्तीफा दे दिया है सीएम ने और बसपा ने सबने समर्थन करा है। देखिए जनता का जनादेश सिर माथे होता है, चाहे वो जीत में हो चाहे वो हार में हो। प्रजातंत्र का सबसे मूल तंत्र यही है और आज जो कुशासन, शिष्टाचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार की सरकार भाजपा की रही है, जनता ने स्पष्ट संदेश तीनों राज्यों में भेज दिया है और भाजपा को रवाना कर दिया है। जहां तक एक मिनट थोड़ा संभल रखिए भाई, आप में ऊर्जा बहुत है पर थोड़ा संभल रखिए। जो जो जनता ने जनादेश दिया है और शिवराज सिंह जी ने जो कहा था, मैं कहूंगा माफ करिए शिवराज जी, अब आया है जनता का राज, यही जवाब है। और जनादेश जनता का सिर माथे लेकर उनके आशा और अभिलाषाओं पर हम लोग उतर। देखिए मेरा लक्ष्य एक ही था और वो था कि इस भ्रष्ट, शिष्टाचार, अत्याचार की सरकार को हम उखाड़ के फेंकें। जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिली है, कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे वो सिर माथे है। हम सबको एक साथ मिलकर जनता की आशा और अभिलाषाओं को पर खड़े उतर कर उन्हें पूर्ण करनी है, यही हमारा संकल्प है। कौन कह रहा है कि मेजॉरिटी नहीं है? हमारी स्पष्ट बहुमत है। नहीं 114 हैं और सब निर्दलीय हमारे साथ हैं, बीएसपी हमारे साथ है, समाजवादी हमारे साथ है। कब तक शिवराज सिंह जी जो इबारत लिखी गई है जनता की, कब तक उसको नहीं पहचानेंगे? हम तो उनको कोशिश कर रहे थे पिछले 5 साल से सम्राट समझाने के लिए, अब तो समझ लें। कल तो बड़े वादे कर रहे थे कि अब की बार 200 पार। अगर पांच राज्यों के सारे भाजपा के सीट को भी हम टोटल कर लें तब भी पांचों राज्यों को मिलाकर 200 पार नहीं कर पाई है भाजपा। तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पांचों राज्यों की सीट देख लो आप, तभी भी 200 पार नहीं कर पाई है। तो थोड़ा अहंकार छोड़ के जमीन पकड़ के भाजपा चले, यही मेरी उनसे विनम्र पूर्वक विनती है। और जहां तक कांग्रेस किसका सवाल है, हम लोग इस माटी को सिर पर लगाकर 5 साल जनता की सेवा करने के लिए कटिबद्ध। मैंने कहा था माफ, मैं कह रहा हूँ माफ करिए शिवराज, अब आई जनता की राज। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर कह रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शिवराज जी अब जनता का राज है और शिवराज ने इस्तीफा दिया है तो जनता के फैसले को सिर माथे लेना चाहिए।